हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने 49, 48 में सब्मिट कर चुके हैं। हमारा सेशन नंबर 49 है। फ्रेंड्स, आइए हम प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 245 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 246 है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीता एंड गीता कैन स्विच अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी सीता और गीता दो आदमी हैं, जो सीता है तो अकेला काम कर रही है तो 12 दिन ले रही है और गीता उसी काम को 16 दिन में पूरा कर पाती है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क अर्जेंटली आफ्टर एवरी वन डे एंड सीता स्टार्टेड द वर्क। तो पूछ रहा है काम है जो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा यदि सीता और गीता अल्टरनेट यानी एक दिन गैप करके काम करते हैं। और काम स्टार्ट कौन कर रहा है? काम सीता स्टार्ट करती है, यानी पहला दिन सीता करेगी, दूसरा दिन गीता करेगी, फिर तीसरा दिन सीता करेगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेट डेज क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सीता एंड गीता, सीता और गीता का दिया हुआ है, गीता भी लेती है तो सीता है जो 12 दिन लेती है इसी काम को पूरा करने के। गीता कितना दिन लेती है? 16 दिन लेती है। यानी सीता अकेले 12 दिन काम को पूरा कर देती है और उसी काम को गीता है जो 16 दिन में पूरा कर पाती है। तो सबसे पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क हम लोग टाइम का एलसीएम लेते हैं, यानी 12 और 16 का एलसीएम, यानी 48 होगा। तो 48 हम लोग टोटल वर्क निकल के आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? इफिशियंसी, यानी वन डे वर्क को क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। तो इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है? तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो कितना सीता का जाएगा? तो 48 डिवाइड बाय 12, यानी सीता कितना जाएगा? एक दिन में सीता कितना काम करती है? 4 काम करती है। और गीता कितना जाएगा? 48 डिवाइड बाय 16, यानी गीता एक दिन में 3 काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला दिन अल्टरनेट डे, यानी अल्टरनेट एक दिन गैप पर काम करता है। पहला दिन कौन कर रहा है? लिखा हुआ सीता स्टार्टेड द वर्क, यानी पहला दिन सीता काम करेगी, दूसरा दिन कौन करेगा? गीता करेगा, गीता करेगी, और तीसरा दिन फिर सीता, फिर चौथा दिन गीता। इस तरह से होते रहेगा जब तक आपका काम समाप्त न हो जाए। यानी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहला दिन सीता कर रही है, दूसरा दिन गीता कर रही है, फिर कौन कर रहा है? सीता कर रही है, फिर गीता कर रही है। ठीक है, यानी हमने अब देख लिया कि सीता और गीता जो दो दिन में काम करेंगे वही काम फिर रिपीट हो जाएगा, फिर दो दिन में वही काम रिपीट हो जाएगा। हर एक दो दिन में जो हमारा वर्क होगा वो सेम होगा। यानी दो दिन में सीता और गीता काम करेगी, तो कितना काम करते हैं? 2 दिन में। तो दो दिन में कितना हो जाएगा? तो सीता है जो एक में 4 काम करती है और गीता है जो एक में 3 काम करती है। यानी दो दिन में कितना काम हो जाएगा? दो दिन में हमारा 7 वर्क हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा? 7 वर्क हो जाएगा। इसमें सीता कितना काम कर रही है? सीता है जो 4 काम कर रही है और गीता 3 काम कर रही है। यानी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? दो दिन में 7 काम हो रहा है, फिर 7 काम हो रहा है, तो दो दिन में कितना काम हो रहा है? 7 काम हो रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? टोटल हमारा वर्क है 48 है, तो हमें 48 लाना होगा। तो कैसे लाएंगे? 7 का औसा मल्टीपल लें, 7 का औसा मल्टीपल लेंगे जो डायरेक्ट 48 आ जाए या 48 से कम आ जाए। तो हम देख रहे हैं 7 × 2 = 49 होता है, यानी ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा लेना नहीं है, यानी हम लोग कम लेंगे। यानी कितना लेंगे? तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से 1 मल्टीप्लाई किए तो हम लोग डेज भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेज में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 दिन हम लोग देख रहे हैं कितना वर्क आ जा रहा है, तो 742, यानी 42 वर्क हमारा 12 दिन में आ जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 दिन में कितना हो जा रहा है? 42 वर्क हो जा रहा है। तो 12वें दिन कौन रहेगी? 12वें दिन कौन रहेगा? तो गीता रहेगी। क्यों रहेगी गीता? क्योंकि गीता है 2 के मल्टीपल में उसका डेज आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4 यानी चौथे चार चौथा दिन रहेगा कौन रहेगा? गीता रहेगा। यानी गीता है जो 2 डेज के मल्टीपल में रहेगी। यानी अभी कितना है? 12 दिन है, यानी लास्ट दिन 12वें दिन कौन कर रहा होगा? तो 12वें दिन गीता कर रही होगी। कौन कर रहा होगा? 12वें दिन गीता कर रही होगी। तो 13वें दिन कौन करेगी? 13वें दिन सीता करेगी। सीता एक दिन में 4 काम करती है, तो 13वें दिन अगर 4 काम करती है तो 13वें दिन में कितना वर्क हो जाएगा हमारा? तो 42 + 4 अभी तक 42 वर्क है। और 13वें दिन कौन कर रही है? सीता कर रही है। सीता एक दिन में 4 काम करती है, यानी 46 वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 46 वर्क हो जाएगा। 42 वर्क हो जाएगा जो 12वें दिन में 42 वर्क हो गया, 13वें दिन सीता कर रही है, तो 42 + 4 यानी 46 वर्क हो गया हमारा 13वें दिन में। उसके बाद अब कौन करेगा? तो अब गीता करेगी। गीता एक दिन कितना काम करती है? 3 काम करती है। तो रिमेनिंग कितना काम है हमारा? टोटल वर्क 48 है और 46 वर्क तो हो चुका है, यानी 13 दिन तो हो चुका है जिसमें 46 वर्क हो चुका है। अब कौन करेगा? तो गीता करेगी।
गीता जो एक दिन में तीन काम करती है, काम करना कितना है गीता का, तो गीता को काम करना है दो काम करना है, कितना काम करना है दो काम करना है, तो टोटल काम कितना करती है यानी तीन काम करेगी, टू बाई थ्री काम करेगी। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 13 होल 2/3 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया फ्रेंड्स 13 होल 2/3 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 246 आपको समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 247 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 247 करने जा रहे हैं, तो आइए क्वेश्चन हमारा क्या बड़ा वो देखते हैं। राजू कैन मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्वीट्स इन 12 आवर्स व्हाइल संजू कैन ईट सेम अमाउंट ऑफ स्वीट्स इन 15 आवर्स इफ दे डू देयर जॉब अल्टरनेटली आफ्टर एवरी 1 आवर देन हाउ मच टाइम द स्वीट्स विल बी प्रिपेयर्ड कंप्लीटली। तो फ्रेंड्स दिया हुआ है कि राजू है जो स्वीट्स बनाता है तो 12 घंटे में स्वीट्स बना पाता है, और संजू है जो उतना ही स्वीट्स खा जाता है कितना दिन में, तो 15 घंटे में खा लेता है। इफ दे डू देयर जॉब अल्टरनेटिवली यानी अल्टरनेट यानी बारी बारी वे लोग जॉब यानी जॉब यहाँ क्या है खाना एक जॉब है बनाना और खाना यहाँ जॉब दिया हुआ है, यानी राजू है जो बना रहा है कितना घंटा में, तो 12 घंटा बना पाता है, और संजू उसी जो स्वीट्स बना रहा है खा जाता कितना घंटा में, तो 15 घंटा में खा जाता है। तो इफ दे डू देयर जॉब अल्टरनेटिवली यानी गैप करके, यानी पहले राजू बनाएगा फिर संजू खाएगा फिर राजू बनाएगा फिर संजू खाएगा, ऐसे कर करके एवरी 1 आवर यानी प्रत्येक एक घंटा में शिफ्ट है जो चेंज हो जाता है, यानी पहले राजू आएगा फिर एक घंटा बाद संजू आएगा फिर राजू आएगा फिर संजू आएगा, देन हाउ मच टाइम द स्वीट्स विल बी प्रिपेयर्ड कंप्लीटली, तो स्वीट से हमारा कितना घंटे में प्रिपेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। राजू है जो दिया हुआ है जो बनाता है यानी यहाँ पॉजिटिव वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है बनाना पॉजिटिव वर्क है, यानी कोई आदमी कुछ बनाता है वो एक पॉजिटिव वर्क दर्शाता है, यानी राजू है जो स्वीट्स बना रहा है वो कितना घंटा में, तो 12 घंटा यानी प्लस 12 ठीक है फ्रेंड। और संजू है जो उसी स्वीट्स को खा लेता है, यानी संजू जो नेगेटिव काम कर रहा है तो संजू कितना देर में खा लेता है, तो 15 घंटा खा लेता है -15 लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है 12 और 15 का एलसीएम लेना है, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टोटल वर्क यहाँ पे मिठाई की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी तो मिठाई की संख्या आ जाएगी टोटल वर्क, तो कितना हो जाएगा 12 और 15 का, तो 60 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 15 का, 60 हो जाएगा ठीक है फ्रेंड। उसके बाद दूसरा काम क्या है एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं, तो कार्य क्षमता कैसे निकाला जाता है, तो 1 डेज वर्क यानी 1 आवर वर्क, यहाँ सब तो घंटे में है यानी 12 आवर है और 15 आवर है, तो एफिशिएंसी भी आवर में निकलेगा, यानी एक घंटे में कितना खा रहा है और कितना बना रहा है और कितना खा रहा है, यानी एफिशिएंसी कैसे हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड टोटल टाइम, यानी यहाँ पर 50 डिवाइडेड 12 कितना आ गया, तो +5 आ गया। ये 5 लड्डू बना रहा है यानी 60 लड्डू हम लोग ले लिए, टोटल वर्क 60 लड्डू है यानी 5 लड्डू हर घंटा बना पा रहा है ठीक है। और संजू है जो कितना खा रहा है, तो 60 डिवाइड बाई 15 यानी 4 यानी नेगेटिव वर्ड क्या लेंगे हम लोग माइनस लेंगे, तो -4 यानी संजू है जो हर घंटा कितना खा रहा है, तो 4 लड्डू खा जा रहा है, राजू है जो 1 घंटा में 5 लड्डू बना रहा है और संजू 1 घंटा में 4 लड्डू खा जा रहा है ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं, तो क्या पूछ रहा है लड्डू कितना दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, 60 लड्डू है जो कितना देर में प्रिपेयर हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो टोटल वर्क कितना हमारा आ गया 60 आ गया ठीक है फ्रेंड्स। और अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं कौन, तो राजू पहला दिन काम कर रहा है फिर दूसरा दिन राजू पहला घंटा काम कर रहा है फिर दूसरा घंटा संजू काम कर रहा है फिर राजू काम करेगा फिर संजू काम करेगा, यानी बोलने का अर्थ यह है कि जो 2 घंटा में जो वर्क होगा वही वर्क फिर 2 घंटा में उतना ही होगा यानी रिपीट होते जाएगा, तो 2 घंटा में जो वर्क हमारा होगा वो रिपीट होते जाएगा, कब तक, जब तक हमारा जो टोटल लड्डू 60 लड्डू है वो बन ना पाए। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल वर्क 60 है जो पॉजिटिव, जब भी इस तरह क्वेश्चन दे कोई पॉजिटिव काम करे और कोई नेगेटिव काम करे और अल्टरनेट डे में काम करे, तो सबसे पहले क्या करना है जो पॉजिटिव वर्क है उसको घटा देना है टोटल वर्क में से, टोटल वर्क क्योंकि घटा दिए -5 हो गया, 5 पॉजिटिव वर्क था इसके द्वारा राजू के द्वारा, तो हम लोग 5 घटा देंगे यानी 55 वर्क का पहले निकाल लेंगे, 55 वर्क का पहले निकाल लेंगे कि वो कितने घंटे में काम हो रहा है, यानी 55 लड्डू कितने घंटे में बन पा रही है वो हम निकाल लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 2 आवर में
टू आवर में कितना कितना लड्डू बन पाया है, तो 5-4 यानी राजू है जो 1 घंटा में 5 लड्डू बना पा रहा है और संजू है जो 1 घंटा में 4 लड्डू खा रहा है, यानी तो ओवरऑल कितना बचा, तो 5-4 यानी 1 लड्डू बचा, यानी 2 घंटा में हमारा 1 जो लड्डू है 1 लड्डू वर्क है जो हमारा हो रहा है, कितना हो रहा है तो 1 वर्क हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें कितना वर्क चाहिए तो 55 वर्क चाहिए, ठीक है। तो अब 55 वर्क कितना में हो जाएगा, 55 वर्क कितना घंटे में हो जाएगा वो निकाल सकते हैं। तो 55 वर्क को 55 से मल्टीप्लाई किए, 55 से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग जो टाइम दिया हुआ उसको भी 55 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 110 घंटे में कितना हमारा हो गया, तो 55 वर्क हो गया, कितना हो गया तो 55 वर्क हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब 55 वर्क हो गया, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 55 वर्क हो गया कितना घंटा में, 110 घंटा में, यानी संजू है 110 में घंटे तक कौन काम कर रहा है, तो संजू तक काम हो रहा है, क्यों, क्योंकि संजू है जो 2 के मल्टीपल में, कितना है तो 2 के मल्टीपल में, संजू है जो हमेशा 2 के मल्टीपल में रहेगा, देखिए पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर पांचवा दिन, छठा दिन, यानी संजू है जो 2 के मल्टीपल में रह रहा है, यानी 110 है जो 2 का मल्टीपल है, यानी 110वें दिन कौन रहेगा, संजू रहेगा, कौन रहेगा 110वें दिन कौन रहेगा, तो संजू रहेगा। अब 111वें दिन कौन रहेगा, तो 111वें दिन हमारा राजू रहेगा, राजू है जो 1 घंटा में कितना काम, 1 कितना काम करता है तो 5 काम करता है, कितना काम करता है तो 5 वर्क करता है, यानी 113वें दिन 113वें आवर में 100 आवर होगा, 110 आवर, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सब आवर में दिया हुआ है, यानी 110वें आवर में कौन काम कर रहा है, तो संजू काम कर रहा है। अब 111वें आवर में कौन काम करेगा, तो 111वें आवर में हमारा कौन काम करेगा, तो राजू काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कितना काम करेगा राजू, राजू है जो 5 काम करता है 1 घंटा में, यानी 55 वर्क तो है ही, 55 लड्डू वर्क क्या है हमारा, लड्डू है, तो 55 वर्क है जो हो पाया, यानी 55 लड्डू है जो हो पाया बन पाया, और कितना लड्डू बनाना है, तो 5 लड्डू और बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 111वें दिन 110वें दिन तो कौन आ रहा है, संजू है जो संजू तक 110वें दिन 110वें घंटे तक 55 लड्डू बन पाता है, तो 111वें घंटे में कौन का आएगा, तो 111वें घंटे में हमारा राजू आ जाएगा, राजू कितना लड्डू बनाता है 1 घंटा में, राजू 1 घंटा में 5 लड्डू बनाता है, यानी 55 वर्क हो चुका है और 5 लड्डू और, यानी 60 वर्क हो गया हमारा, तब 111 घंटे में हमारा 60 वर्क हो गया, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 111 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं किया, अब रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, पहले राजू का दिया हुआ 12 घंटा और संजू का दिया हुआ 15 घंटा, यानी राजू है जो बना रहा है और संजू है जो खा रहा है, यानी जो बना रहा है उसको पॉजिटिव वर्क और जो खा रहा है उसको नेगेटिव वर्क, तो +5 यानी 1 घंटा में राजू है जो 5 लड्डू बना पा रहे हैं और संजू है जो 1 घंटा में 4 लड्डू खा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकाल के और जो पॉजिटिव जो हमारा वर्क है उसको घटा देना है, तो पॉजिटिव वर्क हम घटा दिए, यानी 60-5 पॉजिटिव वर्क 5+5 था ना, उसको घटा दिए तो 55 वर्क आ गया हमारा। तो सबसे पहले हम लोग 55 वर्क यानी 55 लड्डू कितना देर में बन रहा है वो निकालेंगे, हम लोग निकाले 55 वर्क है जो 1-10 घंटे में बन रहा है, तो 1-10 घंटे में कौन कर रहा है, संजू तक 1-10 घंटा हो चुका है, यानी संजू का जो भी आवर आएगा घंटा आएगा वो क्या होगा, 2 के मल्टीपल में होगा, तो हम लोग जान लीजिए कि क्या होगा कि संजू तक हो गया 1-10 घंटा हो चुका है। अब 111वें दिन कौन काम करेगा, 111वें दिन राजू काम करेगा और राजू 1 घंटा में कितना लड्डू बना पा रहा है, तो 5 लड्डू बनाता है, तो 55 लड्डू हो चुका है और 5 लड्डू और चाहिए, यानी 111वें दिन हमारा 60 लड्डू यानी 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना होगा, 111 आवर आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 247 और अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 248 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस डी, सी प्लस ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 24 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच ए अलोन, बी अलोन, सी अलोन, ए प्लस बी प्लस सी कैन फिनिश द होल वर्क कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है कि बी ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 में कर पाते हैं और उसी काम को बी प्लस सी यानी बी और सी दोनों मिलकर 24 दिन में कर पाते हैं,
और उसी काम को सी प्लस यानी सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन कर पाते हैं, तो 30 दिन में कर पाते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डे इन विच ए एलोन, यानी ए अकेला उसी काम कितना दिन पूरा करेगा, बी एलोन यानी बी अकेला उसी काम कितना दिन पूरा करेगा, सी एलोन यानी सी उसी काम कितना दिन पूरा करेगा, और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर उस काम कितना दिन पूरा करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी दिया हुआ है कितना दिन में काम कर रहे हैं, तो 20 डेज में, और बी प्लस सी कितना दिन में, 24 दिन में, और सी प्लस ए तो सी प्लस ए 30 डेज में। तो सबसे पहला काम क्या हमें टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो हमें टाइम दिया हुआ उसका हम एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा टोटल वर्क। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो इफिशियंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 120 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 120 डिवाइड बाय 24 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 120 डिवाइड बाय 30 यानी 4 हो जाएगा। ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और बी प्लस सी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, सी प्लस ए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम लोग, तो जोड़ लेंगे जो दिए हुए आदमी ए प्लस बी बी प्लस सी सबको जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि ए दो बार है, बी भी दो बार है, और सी भी दो बार है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग 2 कॉमन लेते हैं, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इफिशियंसी को ऐड करें कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, यानी 2 ए कितना आ गया हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का अगर निकालना चाहें कितना आ जाएगा, 15/2। ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम लोग इफिशियंसी निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/2 यानी कितना होता है हमारा, 7.5 होता है, कितना होता है, तो 7.5 होता है। तो अब हम लोग एक एक करके ए का निकालते हैं, इफिशियंसी बी का निकालते हैं, और सी का निकालते हैं, तो ए बी और सी का निकालते हैं हम लोग एक एक करके इफिशियंसी, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 7.5 इफिशियंसी हो गया, तो मिला के कितना हो गया, 7.5, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 7.5 इफिशियंसी हो गया। तो अब किसका निकालना है हमें, तो ए प्लस बी तीनों का अगर दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया, 7.5 हो गया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग तीनों को जोड़ के जितना आया है, अगर बी प्लस सी का एफिशिएंसी अगर घटा दें तो ए का निकल जाएगा, यानी बी प्लस सी का कितना है, 5 है, बी प्लस सी का कितना है, 5 है, तो 5 में कितना जोड़ा जाए, 7.5 आपका आ जाए, यानी ए का कितना आ गया आपका, 2.5 आया, कितना आ गया फ्रेंड्स, 2.5 आ गया ए का, तो ए का निकल गया, तो हम लोग बी का निकालते हैं, तो बी का कैसे निकलेगा, तो बी का निकलेगा आपको ए और सी में से अगर इसमें से घटा दें टोटल में से, तो कितना किसका निकल जाएगा, तो बी का निकल जाएगा, ए और सी कितना है, तो ए और सी मिलकर 4 है, कितना है, तो 4 है, यानी ए और सी मिलकर कितना है फ्रेंड, तो 4 है, तो बी कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी, बी का भी निकल गया, कितना हो जाएगा, 3.5। हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए प्लस सी करेंगे तो बी का नहीं निकल जाएगा, बी का हमारा कितना आ गया, 3.5 आ गया, और हम लोग देख रहे हैं कि तीनों मिलकर 7.5 है, यानी 7.5 किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का 7.5 है। ठीक है, तो हम लोग इसका निकाल ले, ए का निकाल ले, बी का निकाल ले, सी का निकल जाएगा, कितना जाएगा, 5 × 10 = 5, 6, यानी 1.5 हो जाएगा, कितना तो 1.5 हो जाएगा। हमने निकाल दिया, ए का भी निकाल दिया, बी का भी निकाल दिया, और सी का भी निकाल दिया, ए का कितना आ गया, 2.5 आ गया, बी का कितना आ गया, 3.5 आ गया, और सी का कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि ए एलोन यानी ए का डेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ए का दिन पूछ डेज पूछ रहा है, तो ए का डेज कैसे निकालेंगे, डेज निकालेंगे क्या फॉर्मूला था, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना हमारा, 120 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना हमारा, 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद तो क्या करें, तो 25 से काटते हैं, 25 चौकस 100 कितना हो जाएगा, 25 चौकस 100 और 25 अटे 200, यानी ए का कितना हो गया हमारा, 48 डेज हो गया, मतलब ए हमारा निकल के आ गया, ये फिर अगर काम करेगा कितना दिन लेगा, तो 48 डेज लेगा। और बी का दिन निकालना है, क्या निकालना है, बी का डेज, तो बी का डेज कैसे निकालेंगे, तो बी का डेज अगर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, बी का हमें डेज निकालना है, बी का डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कितना है हमारा, 120 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना आ गया, तो 3.5 आ गया, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो जीरो चला गया। उसके बाद क्या करें हम, तो 5 से काट के देखते हैं,
5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, कितना हो गया हमारा 240/7 आ गया, कितना आ गया हमारा, तो b हमारा 240/7 मिल रहा है, कितना रहेगा 240/7 इज b रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और c के भी देखते हैं, तो c कितना दिया हुआ है, c 1.5, यानी अगर c का डेल निकालते हैं कितने कैसे किससे निकलेगा, c का डेल अगर निकालेंगे तो c का अगर डेल निकालेंगे टोटल वर्क कितना है 120/1.5, तो एक पॉइंट कैंसिल हुआ, वैल्यू वो जीरो जाएगा, फिर 15 × 7 = 28 का यानी 80 हो जाएगा, c का कितना हो जाएगा फ्रेंड 80, c का कितना हो जाएगा, c का हमारा 80 डेज निकल गया है। अब फिर क्या पूछ रहा है, तो तीनों का पूछ रहा है, तीनों मिलकर इसी काम कितना दिन पूरा करेंगे, तो तीनों का पूछ रहा है, तीनों कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए देखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या पूछ रहा है, तो डेज पूछ रहा है, डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है हमारा 120 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है 7.5 है, तो 7.5, तो पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो 25 से काट देते हैं, 25 × 75, 25 × 100 कितना हो जाएगा, 25 × 100 और 25 × 8 = 200, तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा फ्रेंड 16 डेज हमारा कितना क्या हो गया, तीनों मिलकर कितना लेंगे, तो 16 दिन लेंगे, कितना लेंगे, तो a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर उसे काम करने पड़ेंगे, तो 16 दिन में पूरा करेंगे, तो b कितना आया था हमारा, b हमारा b का एक और निकाल लेते हैं, तो b का अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, b का अगर निकालना चाहें b का डेज टोटल वर्क कितना है हमारा, तो 120 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 3.5 है, कितना है 3.5, तो पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ेगा, ठीक है, 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 5 × 20 = 0, 7 × 21 = 27, इसका कितना आ रहा है 240/7 आ रहा है, कितना आ रहा है 240/7 आ रहा है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 248 आपको समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 249 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 249 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री 18, यानी संख्या दिया हुआ कितना कि टोटल आदमी है जो 18 है, उसमें मैन वोमेन और चिल्ड्रेन है, जो टोटल मिलकर कितना होते हैं 18 होते हैं, दे अर्न ₹4,000 इन अ डे, यानी वे लोग मिलकर एक दिन में 4,000 कमा लेते हैं, if the sum of the wages of all men, all women and all children is in the ratio 18:10:12, तो यहाँ क्या दिया हुआ, क्या रेशियो दिया हुआ है, तो सभी आदमियों का और सभी औरत और सभी चिल्ड्रेन जितना कमा रहे हैं कमाते हैं, जब काम जब समाप्त हो जाता है तो कितना कितना रुपया मिलता है, यानी रुपया का जो रेशियो दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है 18:10:12, यानी आदमी की संख्या का जितना रुपया कमाते हैं, वोमेन जितना रहेगी वो कमाएगी और जो चिल्ड्रन रहेंगे वो कमाएंगे, सभी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इफ द वेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल मैन वोमेन एंड चाइल्ड इज द रेशियो 6:5:3, और क्या दिया हुआ है, देन हाउ मच वोमेन अर्निंग है, इस रेशियो में क्या दिया हुआ है, तो ये रेशियो जो हमारा ये भी वेज का है, क्या है कि एक औरत एक मैं एक औरत और एक चाइल्ड का रेशियो दिया हुआ, क्या वेज का मजदूरी का रेशियो दिया हुआ 6:5:3, और यहाँ क्या दिया हुआ है, तो टोटल मैन टोटल वोमेन और टोटल चाइल्ड का दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ टोटल मैन टोटल चाइल्ड और टोटल वोमेन का, ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें रेशियो दिया हुआ है एक मैन एक वोमेन और एक चाइल्ड का, इसमें टोटल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ एक आदमी का, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वन, आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारा, दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ किसका, तो वेज का दिया हुआ टोटल वेजेस, टोटल वेजेस का रेशियो दिया हुआ है मैन रेशियो वोमेन रेशियो चाइल्ड, कितना दिया हुआ है, तो 18, 10, 12, 18, 10 और 12, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर दिया हुआ है किसका रेशियो दिया हुआ है, तो वन मैन वन वुमेन एंड वन चाइल्ड का रेशियो दिया हुआ वेज का, और किसका, तो वन मैन वन वुमेन और वन चाइल्ड का क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है वेज का, ठीक है, कितना है वेज है, तो 6:5:3,
सिक्स रेशियो फाइव रेशियो थ्री। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है, टोटल वेस्ट जो दिया हुआ है उसे डिवाइड करना है हमें, जो वन आदमी का दिया हुआ है, जो वन आदमी वन वोमेन और वन चाइल्ड का जो वेज का रेशियो दिया हुआ उसे हमें डिवाइड करना क्या टोटल वेज के रेशियो से, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ जो आदमियों की संख्या है मैन वोमेन और चाइल्ड का हमें रेशियो आ जाएगा। यानी अगर हम डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे टोटल वेज का रेशियो से डिवाइड करना है, क्या करना है किसे डिवाइड करना है, तो वन मैन वन वोमेन और वन चाइल्ड का रेशियो से, क्या करना है वन मैन वन वोमेन और वन चाइल्ड का रेशियो दिया हुआ है उसे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय वन मैन वन चाइल्ड और वन वोमेन और वन चाइल्ड रेशियो डिवाइड करना, क्या हमारा आएगा तो हमारा आएगा रेशियो टोटल नंबर ऑफ मैन वोमेन और चाइल्ड का हमें रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमें अगर हम टोटल बेस से डिवाइड करेंगे, जो वन मैन वन वोमेन और वन चाइल्ड का जो बेस दिया हुआ है उससे अगर डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, तो रेशियो हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैन वोमेन और चाइल्ड का। ठीक है फ्रेंड्स, हम डिवाइड करते हैं तो 18 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 10 डिवाइड बाय 5 2 हो जाएगा, और 12 डिवाइड बाय 3 यानी 4 हो जाएगा, कितना हमारे रेशियो आ गया 3:2:4 आ गया। इसका आ गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कितना टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ गया, तो पर्सन में तो आदमी में मैन होगा, मैन मतलब क्या होता है मैन मतलब मर्दाना, तो मैन कितना होगा 3 होगा और वोमेन कितना होगी 2 होगी और चाइल्ड कितना होगा 4 आएगा, लेकिन टोटल कितना दिया हुआ हमारा 18 दिया हुआ, कितना संख्या दिया हुआ 18, यानी 4 2 6 3 9 यानी 9 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है तो 18 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी अगर हम मैन निकालना चाहें तो मैन कितना हमारा संख्या हो जाएगा, तो मैन हमारा 3 यूनिट है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 होगा मैन हो गया। अगर वोमेन निकालना चाहें तो कितना होगा वोमेन हमारा, तो वोमेन अगर निकालना चाहे तो वोमेन कितना है 2 यूनिट है यानी 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, तो 2 × 2 क्योंकि है क्योंकि 1 यूनिट के वैल्यू में 2 आया और वोमेन हम देख रहे हैं 2 है यानी 2 × 2 यानी 4 वोमेन है, कितना हमारा संख्या आ गया वोमेन का, तो हमारा संख्या 4 आ गया। उसके बाद चाइल्ड निकालना है, चाइल्ड कितना है 4 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 2 है यानी चाइल्ड हमारा 8 है, चाइल्ड कितना है तो हमारा 4 × 2 यानी 8 है, हमारा कितना मैन आ गया 6 आ गया 4 आ गया और 8 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, निकल गया हमारा संख्या, कितना मैन निकला 6 है मैन वोमेन 4 है और चाइल्ड 8 है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मच वोमेन और इन अ डे, यानी वोमेन जो है जो कितना जो एक वोमेन है कितना हाउ मच अ वोमेन यानी एक वोमेन है जो एक दिन में कितना कमा लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ रेशियो दिया हुआ था वन मैन वन वोमेन और वन चाइल्ड का, कितना दिया हुआ था 6:5:3। ठीक है, और टोटल वेज कितना दिया हुआ था 18:10:12 दिया हुआ था, और एक बात भूलना नहीं चाहिए हमें क्या दिया हुआ है ये अर्न रुपीज 44,000 यानी 4,000 रुपया एक दिन में कमा लेते हैं, तो एक दिन में कमा लेते हैं, तो वन वेज दिया हुआ किसका वन मैन वन वुमेन वन चाइल्ड का कितना 6:5:3 यानी अगर हम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें यानी मैन वुमेन चाइल्ड को जो संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वेज 4,000 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं वन वोमेन वन मैन वन वोमेन वन चाइल्ड का वेज दिया हुआ है मजदूरी दिया हुआ है 6:5:3 यानी एक आदमी 6 का कमा रहा है एक वोमेन 5 का कमा रही है एक दिन में और एक चाइल्ड 3 का कमा रहा है, लेकिन वोमेन कितना है मैन कितना है 6 है, तो मैन एक में कितना कमाएगा 6 × 6 यानी 36 रुपया कमाएगा और वोमेन कितना कमाएगी तो 5 कमा रही है एक वोमेन 5 रुपया कमा रही है तो 4 वोमेन कितना कमाएगी तो 4 × 5 यानी 20 और चाइल्ड कितना कमा पाएगा तो एक चाइल्ड है जो एक दिन में कितना कमा रहा है 3 कमा रहा है तो 8 चाइल्ड निकला है हमारा तो एक दिन कितना कमाएगा 24 कमाएगा यानी 8 × 2 = 3 = 24। अगर टोटल वेज अगर निकालना चाहे हम ये मिटा देते हैं अगर हम टोटल वेज निकालना चाहे इन अ डे तो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, टोटल वेज इन अ डे का रेशियो अगर निकालना चाहे कैसे निकलेगा आइए देखते हैं, टोटल वेज इन अ डे यानी एक दिन में कितना रुपए निकल रहा है मैन वोमेन और चाइल्ड, मैन वोमेन और चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ कितना 6:5:3 कितना दिया हुआ है 6:5:3
553 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको, जो 6553 दिया हुआ है, क्या एक वोमेन है जो 6 रुपया कमा पा रही है और एक मैन है जो 6 रुपया कमा पा रहा है और एक वोमेन 5 रुपया कमा पा रहा है और एक चाइल्ड 3 रुपया कमा पा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने वो मैन वोमेन और चाइल्ड का संख्या ज्ञात कर लिया, क्या कर लिया, मतलब फाइंड कर लिया कि वो मैन है जो 6 है, वोमेन है 4 है और चाइल्ड 8 है, तो नहीं निकल पाएगा कि एक दिन में जो टोटल मैन है, जो टोटल मैन है वो कितना रुपया कमा पा रहे हैं। तो निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, टोटल जो मैन है उनका रुपया निकल पाएगा, यानी मैन कितना रुपया कमा पा रहा होगा, तो 6 × 6 यानी 36 रुपया, 36 यूनिट कमा पा रहा होगा। और जो वोमेन है जो कितना कमा पा रही होगी, तो 5 × 4 और चाइल्ड कितना कमा पा रहे होंगे, तो 8 × 3 × 8 यानी अब हमारा आ गया कितना आ गया, तो 36, 20 और 24 कितना आ गया, 36, 20 और 24 तो हम लोग इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा, तो 44 यानी 36 और 44 अगर जोड़ लेते हैं यानी 80 यूनिट आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, तो 80 यूनिट का वैल्यू हमने दे रखा है, कितना 80 जो यूनिट है जो क्या का वैल्यू निकल के आया, तो 4000 का वैल्यू निकल के आया, क्यों, क्योंकि एक दिन में महिला जो है जो 36 का कमा पा रही है, वोमेन जो 20 यूनिट कमा पा रहा है और चाइल्ड है जो 24 यूनिट कमा पा रहा है, और कितना रुपीज में कितना है, तो रुपीज में 4000 यानी 80 यूनिट का वैल्यू हमारा 4000 निकल गया। कितना आ गया, तो 80 यूनिट का हमारा वैल्यू 4000 निकल के आ गया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 500 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 500 हमारा एक से कटा यानी हमारा कितना आ जाएगा 50 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 50 हमारा आपका कितना आ गया वन का वैल्यू, तो हमारा वन यूनिट का वैल्यू 50 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो हम लोग अगर ओमेन का निकालना है, ओमेन कितना जो टोटल ओमेन है वो कितना ओमेन टोटल है, टोटल जो 4 ओमेन है वो एक दिन में कितना रुपया कमा पा रही है, कितना निकलेगा, तो ओमेन है जो कितना रुपया कमा पा रही है, तो ओमेन है जो 50 × ओमेन है जो कितना आ गया 20 यानी 50 × 20 कितना कमा पा रही है, तो 50 × 20 तो हमारा कितना आ गया, हमारा 1000 आ गया, कितना आ गया, तो 1000 रुपया कमा पा रही है, कितना कमा पा रही है 1000। तो हमने देखा कि 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ गया, टोटल हम जोड़ लिए तो 80 यूनिट का वैल्यू 4000 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ गया और वोमेन हम देखते हैं कितना यूनिट है, 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट हम लोग निकाल दिए, ऊपर लिख लेते हैं 80 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला कि दिया हुआ है 4000, तो एक यूनिट हमारा 50 आया, कितना आया, तो 50 रुपीज आया। ओमेन का यूनिट कितना है, तो 20 यूनिट है, यानी ओमेन का जो यूनिट है कितना है हमारा, तो ओमेन का हमारा 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का 1 यूनिट और 50 हो गया, तो 20 यूनिट का कितना हो जाएगा, 50 × 20 कितना हो जाएगा, तो 50 × 20 यानी कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज कितना हो जाएगा, यानी ओमेन है जो जो जितना ओमेन है, कितना ओमेन है, 4 ओमेन है जो एक दिन में कितना रुपया कम पा रही है, तो 1000 रुपया कम पा रही है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हाउ मच अ ओमेन ऑन इन अ डे, यानी एक ओमेन कितना, तो एक ओमेन कितना रुपया कमा पा रही है, तो हमने देखा 4 ओमेन है, ओमेन कितना है, तो संख्या हमारा 4 है, कितना है, संख्या हमारा 4 है, ओमेन 4 है जो 1000 रुपया कमा पा रही है एक दिन में, तो एक ओमेन कितना रुपया कमा पाएगी, तो एक ओमेन 4 ओमेन है जो 1000 रुपया कमा पा रही है एक दिन में, तो एक ओमेन कितना कमा पाएगी, तो 1000 / 4 कितना, तो 1000 / 4 यानी कितना कमा पाएगी, तो 250 रुपया कमा पाएगी, कितना कमा पाएगी, तो 250 रुपीज कमा पाएगी। तो फ्रेंड्स कितना आंसर हमारा है, तो 250 रुपया हमारा आंसर आया, कितना आया, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक ओमेन कितना रुपया कमा पाएगी, कितना रुपया कमा पाएगी हमारा, तो 250 रुपया कमा पाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने किया, सबसे पहले टोटल वेज दिया हुआ था, टोटल वेज बोलने का अर्थ है कि मैन जो हो जितना संख्या होगा वो 18 रुपए कमा पा रहे हैं और वोमेन कितना 10 रुपया और चाइल्ड है जो 12, चाहे जितना भी संख्या हो, संख्या हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन दिया हुआ है वन मैन और वन वोमेन और वन चाइल्ड का जो वेज है एक दिन में कितना कमा पा रहे हैं उसका रेशियो दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, टोटल वेज था उससे हमने वन मैन वन चाइल्ड और वन वोमेन का जो रेशियो दिया हुआ था वेज का उसे डिवाइड कर दिया, इससे क्या निकल पाया हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो निकल पाया, तो 3:2:4
इतना निश्चित था और हमारा संख्या में कितना था तो 18 था, तो हमने उसे कंपेयर कर लिया तो हमारे कितना आ गया 9 × 18 आ गया, तो 1 × 2 आ गया। उससे हमारा संख्या पता कर लिया कि मैन कितना है, मैन 6 है, वुमेन 4 है और चाइल्ड 8 है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक वुमेन कितना कमा पा रही है एक दिन में, तो हमने निकाला क्या कि सबका निकाल लिया कि वुमेन कितना रुपए, जो एक वुमेन है जो दिया हुआ था हमारा कितना है क्या होता, वन वुमेन है जो 6 रुपए कमा पा रहा है और वन मैन 6 रुपए कमा पा रहा है, वुमेन है जो 5 रुपए कमा पा रही है और चाइल्ड 3 रुपए कमा पा रही है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि 4000 है जो वुमेन चाइल्ड, यानी ये तो पता नहीं कि वुमेन चाइल्ड टोटल वुमेन टोटल चाइल्ड टोटल मैन है जो एक दिन में 4000 कमा पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो संख्या दिया हुआ था एक मैन एक वुमेन एक चाइल्ड का, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किसे मल्टीप्लाई किया, जो संख्या निकल गया था मैन वुमेन और चाइल्ड का उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया बिल में, तो हमारा एक दिन का जो जितना आदमी था उसका रुपया आ गया, जितना वुमेन था उसका रुपया आ गया, एक दिन में इतना रुपया कमा पा रही है, और चाइल्ड का आ गया यानी सभी चाइल्ड 24 का कमा पा रहे हैं, सभी वुमेन 20 का कमा पा रही है एक दिन में, और सभी मैन 36 का कमा पा रहे हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये 4000 के बराबर है, तो हमने 4000 के बराबर किया, 80 यूनिट आया था उसके 4000 हो गया, तो 1 × 50 कितना हो गया, 50 रुपीज हो गया। वुमेन का निकालना तो वुमेन कितना है 20 यूनिट है, यानी वुमेन का हमारा आ गया 1000 रुपीज आ गया। लेकिन वुमेन कितना संख्या में, वुमेन जो 4 वुमेन है यानी संख्या टोटल नंबर कितना है, तो 4 वुमेन की संख्या है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक वुमेन कितना दिन में कमा पा रही है, यानी 4 वुमेन है जो 1000 रुपए एक दिन में कमा पा रही है, तो एक वुमेन एक कितना कमा पाएगी, तो 1000 × 4 यानी 250 रुपीज कमा पाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 249 आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 250 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए हम अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 250 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन एडवांस एमबीएच कॉन्सेप्ट एडवांस वर्जन को बेस्ट है, तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो 10 हेक्टेयर फील्ड इज यूज्ड बाय 2 men, 3 women and 4 children टुगेदर इन 10 days। तो एक खेत है जो 10 हेक्टेयर खेत है उसको लीज किया जा रहा है किसके द्वारा, तो 2 आदमी, 3 औरत और 4 बच्चों के द्वारा, कितना दिन में, 10 दिन में। इफ वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ अ मैन वुमेन एंड ए चाइल्ड आर इन रेशियो, यानी सबका इफिशियंसी दिया हुआ है मैन का चाइल्ड का और वुमेन का, यानी देवर 5:4:2 और देन 16 हेक्टेयर फील्ड, तो पूछ रहा है कि 16 हेक्टेयर फील्ड विल बी लीव्ड बाय 6 men, 4 women and 7 children हाउ मेनी, पूछ रहा है कि 16 हेक्टेयर को लीव करना है इसके द्वारा, तो 6 आदमियों, 4 औरत और 7 बच्चों के द्वारा, कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन क्या है, एमबीएच कॉन्सेप्ट का एडवांस वर्जन है। तो पहले एमबीएच कॉन्सेप्ट होता क्या है ये देख लेते हैं। तो एमबीएच कॉन्सेप्ट में आपका फॉर्मूला रहेगा M1D1H1E1/W1=M2D2H2E2/W2। फ्रेंड्स इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो ये वाला एडवांस वर्जन आइए समझेंगे हम लोग, पहले समझ लेते हैं एमबीएच कॉन्सेप्ट को। तो M क्या है यहाँ पे, तो M है नंबर ऑफ पर्सन को, नंबर ऑफ पर्सन को नोट कर रहा है। D क्या है, नंबर ऑफ डेज को नोट कर रहा है। H क्या है, नंबर आवर को नोट कर रहा है। E क्या है, तो इफिशियंसी को नोट कर रहा है। W क्या है, तो वर्क को नोट कर रहा है। R क्या है, तो रेट को नोट कर रहा है। फिर उसी तरीके से M है जो इसमें भी वही हो गया, यानी आपको वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे ये एमबीएच कॉन्सेप्ट का हमारा फॉर्मूला ये है। तो आइए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्या, 18 हेक्टेयर फील्ड इज यूज्ड बाय 2 men, 3 women, कितना 2 men, 3 women and 4 child, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हमारा आ गया, तो यहाँ हमारा M1 आ गया, कितना, ये बड़ा सा जो नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 2 men है, 3 women और 4 child है, ठीक है। तो हमारा M1 आ गया, अब क्या होगा हमारा, तो कितना दिन में कर रहा है, डेज, कितना दिन में, 10 दिन में। ये क्या हमारा हो गया, तो डी हो गया, कितना हो गया, तो डी हो गया। यहाँ तो आवर दिया नहीं हुआ, कितना 10 डेज दिया हुआ, सिर्फ आवर तो दिया हुआ, आवर नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है हमें, तो इफिशियंसी दिया हुआ अलग देखा है, मैन वुमेन और चाइल्ड का क्या दिया हुआ है, तो इफिशियंसी क्या दिया हुआ है, इफ द वर्किंग कैपेबिलिटी यानी कार्य करने की क्षमता, यानी उसको क्या बोलेंगे, इफिशियंसी बोलेंगे। इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, तो 5:4:2, ठीक है फ्रेंड्स। कितना दिया हुआ है, एक मैन का 5 है, वुमेन का 4 है और
चाइल्ड का डो है, तो हमें कुछ नहीं करना है आपको, जो एम है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू है डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, सी है तो सी का वैल्यू पुट कर देंगे, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। और एक बात और है, एम वन आ गया आपका, डी आ गया, और एम क्या है, जब इफिशियंसी है तो हमारा ई भी आ गया, क्या आ गया, तो ई भी आ गया। अब आपका क्या होगा, डब्ल्यू वन डिवाइड बाय क्या कहते हैं, डब्ल्यू से वर्क से हम लोग डिवाइड कहते हैं, वर्क यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग 10 हेक्टेयर फील्ड को रिप कर रहे हैं, तो 10 हेक्टेयर फील्ड को रिप कर रहे हैं, वो भी तो काम हो गया, यानी जो 10 संख्या दिखा रहा है, जो 10 संख्या दिखा रहा है वो हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू वन हो गया, तो 10 क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू वन हो गया। फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं आपका एम डी एच का, एम वन बी वन एच वन ई वन डिवाइड बाय डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू एच टू ई टू डिवाइड बाय डब्ल्यू टू आर टू। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हम देखते हैं कि एम क्या आ गया हमारा, तो एम आ गया हमारा टोटल जो है, जो आदमियों का संख्या है, दो आदमी है तीन वोमेन है, मतलब कि एम यहाँ पर्सन नोट कर रहा है, यानी पर्सन तो क्या है, ये तो आदमी हो गया, आदमी करने का मतलब क्या, मर्द हो गया, मैन हो गया, वोमेन हो गया और चाइल्ड हो गया, टोटल क्या नोट कर रहा है, पर्सन नोट कर रहा है, तो कितना हो गया, एम को नोट कर दिया। उसके बाद डेज डी, तो डी कितना, 10 है। ठीक है, उसके बाद वर्क, वर्क हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, कितना खेत को जो जीत करना है, तो 10 हेक्टेयर को जीत करना है, तो वर्क कितना हो गया, 10 हो गया। हमने देखा क्या कि एम एम था इसमें, एम लिए डी लिए डब्ल्यू लिए, तो एच और आवर तो नहीं था, आवर नहीं लेंगे, इफिशियंसी, तो इफिशियंसी अभी दे रखा है, एम का 5 है, डब्ल्यू का 4 है और सी का 2 है, हम लोग वैल्यू जो एम है 2m + 3 डब्ल्यू + 4 सी, तो एम का वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर देंगे और सी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ई भी आ गया, कितना आ गया, तो एम डी एच फॉर्मूला है कि नहीं, एम डी ई है, एम डी ई भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, और रेंट तो यहाँ पर है नहीं कि रेंट लग रहा है, तो रेंट नहीं लगे, रेंट नहीं लगे, यानी एम है डी है ई और डब्ल्यू है, तो एम डी एच फॉर्मूला में हमारा बेस्ट हो गया, इक्वल टू ऑफ करना है, तो किसका निकालना है, तो इसके द्वारा, तो 6 मैन, तो 6 एम प्लस मैन 4 एम 4 डब्ल्यू 4 वोमेन प्लस में 7 चिल्ड्रेन, तो क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है, तो डी हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो डी टू निकालना है, क्या निकालना है, तो डी टू हमें निकालना है, तो डी टू नहीं लिखते हम डी लिख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड बाय, अब कितना का निकालना है, तो हमें 16 हेक्टेयर, यहाँ तो 10 हेक्टेयर था, डब्ल्यू वन यहाँ 10 है, डब्ल्यू टू कितना है, डब्ल्यू टू कितना है, 16 है, तो 16। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको जो इफिशियंसी का वैल्यू पुट कर देना है और आपका डी का वैल्यू आ जाएगा, तो आइए पुट करते हैं, 2 है, तो एम का वैल्यू कितना है, 5 है, यानी 2 × 5 10 हो गया, प्लस में सी डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है, तो 4 है, यानी 3 × 4 12 हो गया, प्लस में 4 सी, सी का वैल्यू 2 है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 22 8 30, यानी कितना हो गया हमारा, तो 30 हो गया, कितना हो गया फ्रेंड, तो 30 हो गया, हम लोग यहाँ देख रहे हैं 10 कैंसिल हो जा रहा है, यानी हमारा कितना आ गया हमारा, तो 30 आ गया, तो 30 बराबर। ठीक है फ्रेंड, अब इसको करते हैं, 6m एम का कितना वैल्यू, 5 यानी 30, प्लस में 4 डब्ल्यू, डब्ल्यू का कितना वैल्यू है, तो 4 है, यानी 16, और सी का कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 7 × 2 14, और क्या निकालना है हमें, डी निकालना है, डिवाइड में 16, तो 30 प्लस में 16 14 कितना हो गया, 30 हो गया, यानी 30 30 60, यानी 60 by 16 कितना हो गया, तो 60 by 16 हो गया, कितना हो गया, तो 60 by 16 हो गया, इनटू डी, तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं, कितना हो गया हमारा, 30 बराबर 60 by 16 डी। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया हमारा, 30 बराबर 60 by 16 डी, तो हमें डी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना है, तो डी का अगर वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30 × 16 डिवाइड बाय 60 कितना आ जाएगा, 30 × 16 डिवाइड बाय 60, तो अब हम कार्ड पे देखते हैं कितना आ जाएगा, 30 × 60 2 × 16, यानी डी कितना आ जाएगा, डी हमारा 8 डेज हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया फ्रेंड, तो 8 दिन हमारा आंसर हुआ, तो 8 दिन में 6 आदमी यानी 6 मर्द 4 औरत और 7 बच्चे 16 हेक्टेयर जमीन को रिप कर देंगे, कितना दिन में, तो 8 दिन में रिप कर देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि एडवांस वर्जन एमडीएच का आपको समझ में आ गया होगा, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।